ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों, तुसी वेख रहे हो पंजाबी लहर यूट्यूब चैनल। दुनिया भर के जिथे सिद्धू मूसे वाले वीर का जान का उहदे दुनिया तो छड़ जाण का दुख होया सारयां नूं, उत्थे ही पाकिस्तान दे विच बहुत वड्डी फैन फॉलोइंग जिहड़े लोग फॉलो करते सिद्धू मूसे वाले नूं, उहनां विच इक दुख की गम की बड़ी शिद्दत वेखी गई, सोशल मीडिया ते वेख्या गया। तो बॉर्डर के इंडो पाक बॉर्डर ने इत्थे वीज़ा पॉलिसी जिहड़ी आसान नहीं है, वीज़ा ना होण करके बहुत वड्डी फैन फॉलोइंग जिहड़ी जाना चाहुंदी सी सिद्धू वीर दे कार, उन्हां दे पेरेंट्स नाल अफसोस करनो नहीं जा सकी, उन्हां दे विच्चों मैं भी शामिल हां। सो इस ही कारण असीं सिद्धू वीर दे घर नहीं पहुँच सके, लेकिन साडे बजुर्ग जिहड़े 74 सालां बाद मिले सी सिक्का खां ते सिद्दीक, वो क्योंकि इंडिया मौजूद सी, मैं उन्होंने खास तौर पर रिक्वेस्ट करके सिद्धू बाई दे जन्मदिन पर जो उन्होंने जन्मदिन मनाया जा रहा है उदन उन्होंने भेजा कि तुसी जाओ, जरूर उन्होंने वालदैन के नाल उन्होंने पेरेंट्स के नाल अफसोस भी करके आओ, अपनी हाजिरी लवा के आओ। मैं धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ बुजुर्गों दोवां का, डॉक्टर जगसीर सिंह साहब का, गुरदर्शन वीर का, डॉक्टर कुलदीप सिंह का जिहड़े हरियाणा तो पहुँचे। तो काफ़ी टाइम पहले डॉक्टर कुलदीप इत्थे आए सन, तो मैं सिद्धू बाई वास्ते एक लोई चादर भेजी सी करतारपुर साहब दे राही। सो सिद्धू बाई क्योंकि वह हरियाणा रेंदे सन, सिद्धू बाई जा नहीं सके उधर नूं, मैनू कहिंदे सी चलो जिद्दण मैं गया हरियाणा नूं उदों उन्हां कोल लै लवांगा, तो वो उन्हां दी हयाती च उन्हां तक ना पहुँच सकी, लेकिन उन्हां दी याद जिहड़ी आ इंडिया दे विच डॉक्टर कुलदीप साहब दे कोल मौजूद सी। सो वह भी बुजुर्ग लैके गए, वह भी उन्होंने वाला साहब नूं भेंट कीती ते उन्हां नाल अफसोस कीता, ते पूरे पाकिस्तान वालों जिहड़ा इह बुजुर्गां दा अफसोस पूरे पाकिस्तान वालों समझा जाए, जिहड़े लोग पाकिस्तान तो उन्होंने चाहते सन, उन्होंने प्यार करते सन। मैं दसदा जावां पाकिस्तान दे विच कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिहड़े गमगीन ना होए होण। मैनू बहुत सारे लोगों के कॉल आए कि ताडा उन्हां दा राबता है उन्होंने, साढ़े वालों अफसोस करो, बच्चे रोंदे रहे, रोटी नहीं खाधी वाला ने, वड्डियां छोटिया ने, एवें मैनू कॉल्स आउंदियां सी, लोग कहिंदे सन भी इदां लगदा भी जिवें साढ़े कोई अपने घर का जी तुर गया। 29 साल का नौजवान एडा वड्डा नाम पैदा करता, एक म्यूजिक इंडस्ट्री से एडे एडे वड्डे कलाकार, फनकार, म्यूजिशियन, डायरैक्टर, सिंगर जिहड़े वो उन्नू पसंद करते सी, इस 29 साल के नौजवान। सो उन्होंने उन्होंने घरदियां नूं साडे वल्लों भी बहुत सारा अफसोस, तो उन्होंने हौसला भी, दिलासा भी कि रब सोना तुहानूं सबर दे। उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह ही यह प्यार जिहड़ा अगे भी बनिया रहे, सिद्धू वर्गे वीर जमदे रहन, तो वो सारी दुनिया च पंजाबियों का नाम रोशन करते रहे। देखो बच्चा जो तरक्की करता ना भुल जाता माँ प्यो सारे जाके स्टारा च बह जाता, रंग रंगीलिया महफल च बह जाता, ये साडे बच्चे ने बापू की बाह नहीं छड़ी, अज भी उंगल फड़ के तुरदा सी, किसी नहीं पिंड नहीं भुलिया, इलाके मिट्टी नहीं भुलिया, अज भी बापू तो पैसे मंगते ना बटुआ रखे उन्हें, बापू तो मन के जाने मैं इतने जाने ना इतना तेल पैना बच्चे जमते।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ ਲਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ 6911 ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਉਹਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਟੂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਰੂਫ ਕਰਨ ਆਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ।